गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलोइलीन वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, तो ये जो हेलोइलीन वाला हमारा टॉपिक था, इस हेलोइलीन वाले टॉपिक में मैंने आपको एग्जांपल ऑफ द एसएन1 एंड एसएन2 बता दिए थे, यानी कि मैंने आपको ये बता दिया था कि एसएन1 और एसएन2 क्या होती है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। एसएन1 और एसएन2 के एग्जांपल्स हमारे पास सब है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स, कि अमीन्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, कि हाउ टू प्रिपेयर द या फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स, कि अमीन्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आरएक्स है। आरएक्स इज इक्वल टू होता है एल्केलाइड। इस एल्केलाइड की रिएक्शन हमको किससे करवानी है, अमोनिया से करवानी है। एल्केलाइड इज एल्केलाइड की रिएक्शन हमको अमोनिया से करवानी है। जब इस एल्केलाइड की रिएक्शन हमको अमोनिया से करवानी है, तो ये मेरे पास बनेगा RNH2। यहां पर हो जाएगा माइनस एच एक्स हो जाएगा, यहां से एक्स और यहां से एच, तो एच एक्स हो जाएगा और ये RNH2 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वापस से रिएक्शन अगर सपोज कीजिए अपन RX से करवाते हैं, तो अब यहां से वापस से माइनस एच एक्स हो जाएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, R2NH, क्या बन जाएगा, R2NH बन जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसकी वापस से एक बार रिएक्शन अगर करवाते हैं RX से, तो वापस से माइनस एच एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा R3N बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वापस से रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, RX से करवाते हैं, ये बनेगा R4 और ये N पर प्लस और X पर माइनस, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसका जो नाम हो जाएगा टेट्रा अमोनियम हैलाइड, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये जो देखो यहाँ, दिस इज 1 डिग्री एमीन, दिस इज 2 डिग्री एमीन एंड दिस इज 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन सही, इनके नाम है बेटा। एक को 1 डिग्री अमीन नाम दिया गया है, दूसरे को नाम दिया गया है 2 डिग्री अमीन और तीसरे को नाम दिया गया है 3 डिग्री अमीन। तो ये इनके नाम हो गए 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज द व्हाट इज द 1 डिग्री अमीन। आप देखिए, अगर दो हाइड्रोजन हो तो मेरे पास होगा 1 डिग्री अमीन, अगर एक हाइड्रोजन हो तो मेरे पास होगा 2 डिग्री है, और अगर मेरे पास सपोज करो जीरो हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास जीरो हाइड्रोजन है तो वह मेरे पास क्या होगा, 3 डिग्री अमीन होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, यहाँ पर मेरे पास दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री अमीन होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होता है। सपोज कीजिए मेरे पास CH3Cl है, इस CH3Cl की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, NH3 से, अमोनिया से इसकी रिएक्शंस करवाता हूं, तो यहां से माइनस HCl हो जाएगा, तो यहां से माइनस HCl हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3 और NH3। दिस इज 1 डिग्री अमीन, ये मेरे पास है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। इसी तरह मेरे पास क्या करना है, इसी तरह देखिए वापस इस रिएक्शन वाले CH3Cl से करवाई, तो यहां मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 2 टाइम और ये NH, दिस इज 2 डिग्री अमीन, ये मेरे पास 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। इसी तरह करना क्या है, ये मेरे पास क्या है, CH3Cl है, CH3Cl है, इसकी वापस से रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम और ये N, ये हो जाएगा मेरे पास 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। वापस से इसके रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl से, तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3 कितनी टाइम बेटा, 4 टाइम, और N पर आ जाएगा प्लस और Cl पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास बनेंगे व्हेन क्लोरोमेथेन की रिएक्शन अगर किससे करवाई जाती है, ये जो मेरे पास क्लोरोमेथेन है, ये जो क्लोरोमेथेन है, इस क्लोरोमेथेन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई जाती है, तो सबसे पहले 1 डिग्री अमीन बनेगा, और 1 डिग्री अमीन बनने के बाद में 2 डिग्री अमीन बनेगा, 2 डिग्री अमीन बनने के बाद में 3 डिग्री अमीन बनेगा, और 3 डिग्री अमीन बनने के बाद में लास्ट में हमारे पास बनता है, दैट इज टेट्रामेथिल अमोनियम हैलाइड, दैट इज लास्ट में जो बनेगा टेट्रामेथिल अमोनियम हैलाइड बनेगा। ये भी हमारे पास SN1 रिएक्शन है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं और प्रतिस्थापन रिएक्शंस के क्या ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। इसको हाफमान अमोनिशन बोलते हैं, हाफमान अमोनिशन बोलते हैं, हाफमान अमोनिकन के नाम से जाना, ठीक है। एक और टॉपिक है जो हमारे पास इस चैप्टर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, टॉपिक है।
इस टॉपिक को हमने नाम दिया है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो व्हाट इज द फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, सर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है, ये हमारा अगला टॉपिक है। और इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती, ठीक है, इसके बारे में कुछ स्टडी करनी है। तो देखिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है, ये मेरे पास क्या है बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है, ओके। इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने किससे करवाई है, CH3Cl, CH3Cl का मतलब है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, AlCl3, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड AlCl3, इस बेंजीन, इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने CH3Cl के साथ करवाई और ये AlCl3 है, AlCl3 इज द लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है, तो इसकी जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां मेरे पास बनेगा ये CH3 इसमें लगेगा और ये HCl टॉलुइन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन, ये टॉलुइन बन गया, ओके। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो कैसे करवाएंगे, ये मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवाई CH3 और ये CH और ये Cl और ये CH3 इसके साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, ये 2° हो गया मेरे पास, सॉरी और अगर आगे यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने लिया लुईस एसिड, लुईस एसिड दैट इज द AlCl3, यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ये CH और ये मेरे पास हो जाएगा CH3 और ये मेरे पास हो जाएगा CH3 और ये HCl, इस तरह प्रोडक्ट बनेगा। एक बार फिर से एक और अगर कंपाउंड हमने इस तरीके से लेना पड़ेगा, ये बेंजीन है और ये मेरे पास CH3 और ये C और ये CH3 और ये CH3 और ये आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं और इनमें आपको मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में ये फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस है, ये फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अगर आप इसका मैकेनिज्म भी चाहो तो मैं आपको मैकेनिज्म इसका बता सकता हूँ, किस तरह से इनकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए, पहले इसमें आपको एक ऑर्डर देखना पड़ेगा, इसमें 3D कार्बन का टाइम बनेगा, इसमें 2D कार्बन का टाइम बनेगा, इसमें 1D कार्बन का टाइम बनेगा। चलो 3D कार्बन का टाइम इसका मोस्ट डबल कार्बन का टाइम, इसलिए इसका रेट सबसे हाई होगा, इसका रेट सबसे हाई होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सबसे ज्यादा होगी। अब इसके अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो जो मैकेनिज्म कैसे देखेंगे वो इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं।
क्या लगा हुआ है, इसमें एच लगा हुआ है। अब ये भी पाई इलेक्ट्रोमीटर मूव करेंगे, जब पाई इलेक्ट्रोमीटर मूव करेंगे तो ये सी एस थ्री और ये सी और इस पर प्लस आ रहा है। जब पाई इलेक्ट्रोमीटर मूव करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से यहीं पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा एच और यहाँ पर आ जाएगा ये सी एस थ्री और ये इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं सी और ये मेरे पास आ जाएगा सी एस थ्री तीन बार, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वापस से तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर पहुंचेंगे तो अब मेरे पास क्या कंडीशन आएगा, अब मेरे पास जो कंडीशन आएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ पर ये सी और ये सी एस थ्री कितनी बार हो गया थ्री टाइम। और वापस ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो अब क्या कंडीशन आएगी, अब जो मेरे पास कंडीशन आएगी वो इस तरीके से आएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर तो ये एच है और ये सी और ये सी एस थ्री कितनी बार हो गया थ्री टाइम हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की बात करेंगे बेटा, तो आगे की बात कैसे करेंगे वो देखिए, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ रही है, यहाँ पर एच आ रहा है और ये सी और ये सी एस थ्री आ रहा है, ठीक है। तो थ्री टाइम यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब क्या होता है, ये जो मेरे पास ए एन सी एल फोर माइनस है इसकी प्रेजेंस में डोनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हो जाएगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स जैसे यहाँ पर होगा तो ये मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये सी और ये सी एस थ्री कितनी बार आ जाएगा, तीन टाइम आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए एल सी एल थ्री और प्लस मेरे पास बन जाएगा एस सी एल थ्री, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन, this is electrophilic substitution reaction and also this is Friedel-Crafts reaction. In this reaction alkylation take place, ठीक है। this reaction occur in three steps, first step is the formation of the electrophile and second step is the attack of the electrophile and the last step is the removal of the proton. इस तरीके से इस reaction के तीन steps होते हैं, ये तीन steps मैंने आपको अच्छे से बता दिए, यहां तक आपको I think कोई problem नहीं आनी चाहिए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हो गया। इस तरीके से आप इसको इजीली देख सकते हो, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। यहां तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपका जो टॉपिक था वो कौन था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्केलेशन, दिस इज टॉपिक आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्केलेशन में, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है, वो वाला टॉपिक आप देखिएगा, अगला टॉपिक है वो कौन सा है इसको आप देखिए, ये हमारा हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोएल्केन, हैलोएल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक था रिएक्शन विद द मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल हमारा जो अगला टॉपिक था वो था रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो ये जो रिएक्शन विद मेटल है ना, इसने हमारी एक रिएक्शन थी, उस रिएक्शन को मैंने कहा था बोल्स, डब्ल्यू ई आर ई जेड, बोल्स रिएक्शन, मैंने आपको बताया था बोल्स रिएक्शन के बारे में बताया था। तो वाट इज द बोल्स रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये आपके पास क्या आर एक्स है, This is RX, RX मतलब तो alkyl halide, ये मेरे पास RX है, RX का मतलब है ये RX है, RX का मतलब है alkyl halide, इस alkyl halide की दो मोल सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, इस alkyl halide के अगर हम दो मोल सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा 2NaX, 2NaX बाहर निकल जाएगा तो RAR और ये 2NaX बनेगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा एल्केन, क्या बन गया ये एल्केन बन गया, ये एल्केन फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स है। अब अभी बात करते हैं वो रिएक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के रिएक्शन है, वो रिएक्शन है तो वो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है बेटा, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये मेरे पास सी एस थ्री सी एल है और प्लस मेरे पास क्या है टू एन ए और यहाँ पर हो जाएगा ये मेरे पास सी एस थ्री और ये सी एल, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया ड्राई कर लिया, ड्राइव कर लिया, तो ड्राइव कर लेने के बाद यहाँ से टू एन ए सी एल रिमूवल हो गया, टू एन ए सी एल रिमूवल हो गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी एल और प्लस क्या हो जाएगा टू एन ए सी एल, इस तरीके से हमारे पास
तो व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शंस क्या होती है, तो यू विल राइट इन अ वुड्स रिएक्शन व्हेन द एल्केन हैलाइड इन टू द सोडियम मेटल, व्हेन द एल्केन हैलाइड बनता है एल्केन हैलाइड इन टू द सोडियम मेटल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन नोन एज द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शंस के अगर हम बात करें, वुड्स रिएक्शन बेसिकली टू टाइप्स, वुड्स रिएक्शन मींस बेसिकली टू टाइप्स होती है, फर्स्ट इज द सिंपल सिंपल वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप मिक्स वुड्स रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये मेरे पास CH3Cl है और ये मेरे पास 2 मोल Na है और ये मेरे पास हो जाएगा C2H5 और ये Cl, ये दोनों अलग अलग है, मतलब एक को R और एक R डैश है, इनकी रिएक्शन को ड्राई ईथर से करवाते हैं, ड्राई ईथर लिया तो ये भाग बन जाएगा, तो इसमें एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट इसमें इसका बन सकता है C2H5 और ये C2H5, एक इन दोनों का मिक्स प्रोडक्ट कर सकता है CH3 और ये C2H5 और प्लस आएगा 2NaCl, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसे कहते हैं मिक्स वुड्स रिएक्शन। तो मिक्स वुड्स रिएक्शन है ना वो बेसिकली दो टाइप की होती है, वुड्स रिएक्शन है ना वो बेसिकली अगर आप देखते हो तो वुड्स रिएक्शन बेसिकली दो टाइप्स की होती है, पहला टाइप होता है उसे कहते हैं सिंपल वुड्स रिएक्शन एंड सेकंड टाइप इज द मिक्स वुड्स रिएक्शन। सिंपल वुड्स रिएक्शन जो होती है, सिंपल वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सिंपल वुड्स रिएक्शन जो होती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन्स होता है और मिक्स वुड्स रिएक्शन में तो मिक्सचर ऑफ द एल्केन्स बनता है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर मेथड बिकॉज डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट फेवर्ड इन दिस रिएक्शन। वी कैन से इसमें क्या सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन है मतलब सिंपल एल्केन बनेगी और इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मतलब एल्केन का मिश्रण बनेगा, तो एल्केन का जो मिक्सचर बनेगा उसको अलग अलग करना इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए ये वाला मेथड ठीक नहीं है। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वुड्स रिएक्शन, कि वुड्स रिएक्शन का डिसएडवांटेज क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, तो वुड्स रिएक्शन के द्वारा हम मेथड नहीं बना सकते, बाय द हेल्प ऑफ द वुड्स रिएक्शन वी कांट प्रिपेयर द मेथड, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि वुड्स रिएक्शन के द्वारा हम मेथेन नहीं बना सकते। सेकंड है वुड्स रिएक्शन के द्वारा नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, वुड्स रिएक्शन के द्वारा कार्बन की संख्या को डबल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन के बाद में हमारे पास एक और रिएक्शन जिसके अंदर आता है, वो भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के बाद में सेकंड जो पॉइंट हमारा आता है दैट इज फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन का मतलब है ये मेरे पास क्या है, ये है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड की रिएक्शन दो मोल सोडियम से करवाते हैं, ये मेरे पास क्या एरिल हैलाइड है और एरिल हैलाइड की रिएक्शन हम दो मोल सोडियम से करवाते हैं, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहां से 2NX बाहर निकलता है, जब 2NX यहां से बाहर निकलता है तो फेनिल बनता है, ये डाइफेनिल बनेगा, तो ये मेरे पास बनेगा डाइफेनिल और यहां से बाहर निकल जाएगा 2NaX। इस रिएक्शन को नाम दिया था वुड्स नहीं फिटिंग रिएक्शन कहते हैं इसको, इसमें फिटिंग रिएक्शन होती है, तो व्हाट इज द फिटिंग रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फिटिंग रिएक्शन होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड शो करेंगे, है ना, एलिफेटिंग कंपाउंड फिटिंग रिएक्शन शो नहीं करते, जो फिटिंग रिएक्शन होती है उसमें डाइफेनिल प्रोडक्ट बनेगा, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है लाइक एज वुड्स रिएक्शन, लाइक एज वुड्स रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो प्लस बेंजीन और ये दो मोल सोडियम है और ये वापस से मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इनकी जब मैंने रिएक्शन करवाई यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने लिया वही ड्राई ईथर लेते हैं, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा 2NaCl, तो यहां पर मेरे पास जो बनेगा वो प्रोडक्ट मेरे पास होगा डाइफेनिल, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज 2NaCl, 2NaCl इसे कहेंगे डाई
फाइनिल। तो डाई फाइनिल के नाम से मेरे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं डाई फाइनिल। डाई फाइनिल, डाई फाइनिल के नाम से प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन नोन एज द वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए बेटा। एक रिएक्शन तो आपका हो गया वुड्स रिएक्शन और एक आपका रिएक्शन हो गया फुटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन और फुटिंग रिएक्शन के बाद में जो अगला टॉपिक आपका आता है वो है, वो देखिए वो कौन सा टॉपिक है। वुड्स रिएक्शन हो गया, फुटिंग रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद में जो रिएक्शन आएगा दैट इज वुड्स, वुड्स फिटिंग। अगला जो टॉपिक है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक तो वुड्स रिएक्शन है, एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या लेते हैं मॉलिक्यूलर है भाई, जो वुड्स रिएक्शन होती है ना, तो उस वुड्स रिएक्शन में तो मॉलिक्यूलर हैलाइड्स को लेते हैं। ठीक है, और फिटिंग रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, फिटिंग रिएक्शन में हम लेते हैं किसको, हम लेते हैं एरिल हैलाइड को। एक तो एल्किल हैलाइड हो गया, दो मोल मेरे पास सोडियम हो गया, और ये मेरे पास हो गया एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड हो गया। ठीक है, यहीं पर वही आपको ड्राई ईथर लेना है, क्या लेना है यहाँ पर आपको ड्राई ईथर। यहाँ पे ड्राई ईथर लिया तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, टू एन एक्स। तो यहाँ से टू एन एक्स बाहर निकल जाएगा तो आपके पास बनेगा एल्किल बेंजीन। टू एन एक्स बाहर निकल गया, ये आपके पास टू एन एक्स बाहर निकल गया। ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को मैंने क्या कह दिया, एल्किल बेंजीन। ये मेरे पास एल्किल बेंजीन के नाम का एक टॉपिक। ठीक है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। जब एक प्रोडक्ट वुड्स का हो और एक प्रोडक्ट किसका हो, फुटिंग का हो, तो वुड्स और फुटिंग दोनों मिलकर के जो रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है वुड्स फुटिंग रिएक्शन। ठीक है, एक प्रोडक्ट वुड्स का है और एक प्रोडक्ट का फुटिंग का है, तो दोनों मिलकर के जो रिएक्शन करेंगे उस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा वुड्स फुटिंग रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर सीएल है, तो ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया, और यहाँ पर वो बंदा आपको देता है टू एन ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख के देता है सीएल और सी एस थ्री, तो आप समझोगे कि ये तो वुड्स है या फुटिंग है। दोनों मिलकर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को अपन क्या लिखेंगे, वुड्स फुटिंग रिएक्शन। ड्राई कर लेंगे तो ड्राई करने से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से टू एन ए सी एल, ड्राई कर लिया ना, यहाँ से टू एन ए सी एल बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये सी एस थ्री इस पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टू एन ए सी एल बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट पे अगर अपन आई पी सी नाम लिखेंगे तो इसे कहेंगे मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन। इसे मैथिल बेंजीन नहीं कहेंगे, इसका एक और नाम जो है वो है टॉलोइन। इसको मैथिल बेंजीन और टॉलोइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रिएक्शन विद मेटल में हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल, इस रिएक्शन विद मेटल में हमने आपको वुड्स रिएक्शन के बारे में बताया, उसके बाद में फिटिंग रिएक्शंस के बारे में बता दिया, उसके बाद में वुड्स फिटिंग रिएक्शंस के बारे में बता दिया आपको। उसमें मैंने इस वाले चैप्टर में उल्मान, उल्मान रिएक्शंस के बारे में बता दिया। उल्मान रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोगों ने फ्रैकलैंड रिएजेंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें टेट्राएथिल लेड वाले टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था एसएन1 और एसएन2। ठीक है, हमारा जो हेलो एल्केन वाला टॉपिक चल रहा था, उस हेलो एल्केन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने बताया था व्हाट इज द हेलो एल्केन, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में बताया था फॉर्मेशन ऑफ द हेलो एल्केन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन, ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन में मैंने आपको बताई थी एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो क्लियर हो गई। एक हमारा इसके अंदर टॉपिक था रिएक्शन विद मेटल, ये क्लियर हो गया। अब हमारा एक टॉपिक इसके अंदर और बच रहा है, वो हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो व्हाट इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, ये एलिमिनेट का मतलब होता है डिसअपीयर, गायब होना। ठीक है, इधर देखिए ये मेरे पास क्या है, ये सी और ये सी और ये
सी और ये एक्स है, यहाँ पर तो क्या एक्स है और यहाँ पर क्या है एच है, तो यहाँ से अगर कीजिए हेलो एल के है, अगर इसमें क्या हम इसमें डालते हैं के एच ए एल सी एल्कोल के एच अगर डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है एच एक्स बाहर निकल जाता है, तो एच एक्स बाहर निकल जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ द एल्किन्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ द एल्किन्स होती है और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा एच एक्स और फॉर्मेशन ऑफ एल्किन हो गया। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कि बैंड फर्स्ट इज द बीटा, सेकंड इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड इज द गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड इज द गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तीन तरह के रिएक्शन हमारे पास होती है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड थर्ड इज द गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है सिलेबस में हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में हमने स्टडी करनी है। तो व्हाट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बीटा एलिमिनेशंस क्या होती है वो देखिएगा। देखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ये मेरे पास क्या है सी और ये क्या है एच, और ये क्या है एच है, ये भी एच है और ये सी है और ये एच है और ये एच है और ये क्या सी है, ये वाला कार्बन तो हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन क्या हो गया बीटा, एक कार्बन अल्फा एक कार्बन बीटा है। यहाँ पर अपन ने लिया KOH, KOH कौन सा वाला है ALC, ALC का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको बीट किया हमने, बीट किया तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा एस से बाहर निकल जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बनेगा HCl, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया एल्कीन, एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप की रिएक्शन होती है कहते हैं अल्फा अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को कहा जाता है, इसमें से बीटा हाइड्रोजन पे बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन का रिमूवल होने के कारण इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, इन्हें कहते हैं बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, ठीक है। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, देखते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक मेरे पास रूल आता है सैटजेफ का रूल, सैटजेफ, सैटजेफ रूल क्या होता है वो देखिएगा, सैटजेफ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास है CH3, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरे पास है CH3 और ये C, ये H और ये H, ये C और ये H और ये Cl, ये C और ये H और ये H और ये H, मतलब 1 2 3 4, इसका नाम है 2-chloro-butane, ये 2-chloro-butane है, ओके। अब इसे 2-chloro-butane को मैंने गर्म कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH में गर्म किया, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन बीटा गैस है, ठीक है। अब दो कंडीशन हो गई, जिस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है और इस वाले बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, तो दो प्रोडक्ट हो गए मेरे पास, एक प्रोडक्ट तो बनेगा ए, एक प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा बी, इस प्रोडक्ट को मैंने नाम दिया ए, इस प्रोडक्ट को मैंने क्या नाम दिया बी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेरे पास सी एच टू डबल बॉन्ड, ये सी एच और ये सी एच टू और ये सी एच, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बी में, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एच थ्री, ठीक है। अब विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, इसको कैसे चेक करते हैं, इसे चेक करने के लिए ये मेरे पास होगा सी डबल बॉन्ड सी, इस वाले कार्बन पर एच और एच, इस वाले कार्बन पर एक लगेगा एच और एक लगेगा सी टू एच फाइव, इसको चेक करेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी, इस वाले कार्बन पर एच और इस पर भी एच और यहाँ जाएगा सी एच थ्री और यहाँ पर भी आ जाएगा सी एच थ्री। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट है और ये रिस्पॉन्स है माइनर प्रोडक्ट है, जो रिएक्शन होता है।
दिस रूल नोन एज द सज्जा रूल. व्हाट इज द सज्जा रूल? अकॉर्डिंग टू द सज्जा रूल, व्हेन द अकॉर्डिंग टू द सज्जा रूल, व्हेन द व्हेन द टू और मोर देन व्हेन द देयर इज चांस ऑफ द फॉर्मेशन द टू और मोर देन द टू प्रोडक्ट देन द फॉर्मेशन ऑफ द बोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन अकर्स. दिस रिएक्शन नोन एज द दिस रूल नोन एज द सज्जा रूल. इस रूल को सज्जा रूल के नाम से जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आता है कि टू क्लोरोब्यूटेन को एल्कोहलिक एसिड के साथ की प्रेजेंस में हीटेड किया जाता है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और ये किस रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन होता है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली अटर इन एग्जाम. इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आते हैं तो अपन को उनके बारे में देखना पड़ता है, समझना पड़ता है. ठीक है, तो आई थिंक इस टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी है जो हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो आपको बता देंगे. ठीक है.